तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अधिकतम संख्या में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ जो है वो किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, 1927 ईस्वी में। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, तो नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। अगला क्वेश्चन बनता है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, सूर्य मंदिर जो आपका स्थित है ऑप्शन डी, कोणार्क में स्थित है। कालडेरा संबंधित है, तो कालडेरा किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, ज्वालामुखी से संबंधित है। कालडेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी। अगला है, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है? तो ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष संबंध। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो ये गुजरना होता है ऑप्शन ए, कांच से जल में। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में टोटल होती हैं 656 मांसपेशियां। पृथ्वी के ऊपर के चार क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई जो है वो किसकी है? तो ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फीयर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, 6 वर्ष के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन डी, सिक्किम। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो ऑप्शन डी, ये सभी। पहला है आर्थिक सिद्धांत, फिर है सामाजिक सिद्धांत, फिर है प्रशासनिक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के कारण। अगला है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, टैनिन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ऑप्शन डी, सभी तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ऑप्शन सी, रामानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद ने की। किसने की? सहजानंद ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की
संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत प्रस्ताव द्वारा। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले द्वारा। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग। अगला है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो ऑप्शन बी 1948 ईस्वी। उपनिषद का प्रतिपाद विषय है? तो ये सभी भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म और प्राचीन भारतीय विधि। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी परतदार चट्टान में। असंबद्धता स्थित है? तो ऑप्शन ए कष्ट तथा मेंटल के बीच। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी एशिया। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। किसका विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है? तो ऑप्शन बी चीन। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? ऑप्शन सी गन्ना। गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हीलियम HE। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो अपकेंद्रीय बल। बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? तो ऑप्शन ए अत्यधिक अल्प अवधि। दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? ऑप्शन सी स्पाइस जेट। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में ऑप्शन ए राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो 1758 ईस्वी में। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो ये किया था ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन डी मराठों ने। एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? तो गुणवत्ता। कालाजार का रोग वाहक कौन है? तो सिकता मक्खी। विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो स्वनिर्णय पर। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो ऑप्शन ए बुध ग्रह। रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो सेलुलोज। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबद्ध है? तो ऑप्शन ए पंजाब। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।